जल दिवस के अवसर पर जालौर के सुंदेलाब तालाब पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे और एडीएम शिवचरण मीणा ने आमजन को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद सभी ने सुंदेलाब तालाब की पानी की पूजा की। जोगेश्वर गर्ग ने कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों के भीतर तालाब में जा रहे सीवरेज के पानी को बंद कराया जाए ताकि तालाब का पवित्र जल सुरक्षित रहे। वहाँ रोड को कितना ऊंचा लेना चाहिए था, उस सड़क के कारण ओवरफ्लोरेज हो गया, ऊंचा हो गया, उसके कारण कॉलोनी में समस्या पैदा हो गया। पहले जो ओवरफ्लो डिसाइड किया होगा, तय किया होगा कि ये लेवल रखना है, इंजीनियर्स ने सोच समझ कर रखा होगा, उसको हमने काफी ऊंचा ले लिया, कॉलोनी में पानी भरने लग गया, कॉलोनी पानी अंदर आने, शिवाजी नगर कॉलोनी पानी अंदर आने लग गया, जमीन में से घर का पानी जमीन में नहीं जा रहा, जमीन का पानी घर में आ रहा है क्योंकि ओवरफ्लोरेज हो गया। मैंने निवेदन किया था, निशांत जैन साहब से भी किया था, पूजा जी से भी किया था, आपसे फिर कह रहा हूं, इस तालाब में जो इस बाढ़ का पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, कैचमेंट एरिया खत्म हो गया, नेचुरल स्वाभाविक रूप से इस पहाड़ का पानी तालाब में जो आता था वो बंद हो गया, डाइवर्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा था इंजीनियर्स की एक कमेटी बनाओ जिसमें सरकारी इंजीनियर भी ले लो, पीडब्ल्यूडी भी ले लो, पीएचडी भी ले लो, इरिगेशन भी ले लो, आपके डीआरडी में भी होते हैं इंजीनियर्स, उनको भी ले लो, और साथ में मैंने मदनराज जी बोरा साहब का भी नाम दिया था कि वो बहुत एक लंबी सोच वाले इंजीनियर हैं, उद्यमी हैं, उनको साथ में लो और सब मिलके एक योजना बनाओ, इस तालाब, इस पहाड़ का पानी तालाब में कैसे पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा वो चिंता करो। ये पुलिस लाइन और ये आपके स्कूल जाके बच्चों ने भी गीत गाया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार गया, अच्छा गया बेटा, शाबाश, तालियां बजाओ बच्चों के लिए। सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे गाने कम सुनने को मिलते हैं, अच्छा व्यवस्थित गया। उस स्कूल में पानी भरता है, उस हॉस्टल में पानी भरता है, उस सारे पानी को एक सिस्टम बना के उस तालाब के नहर में डालो। 2 साल से कह रहा हूँ, आपका प्रशासनिक सिस्टम, आपका इंजीनियरिंग सिस्टम सारा फेल, 2 साल में वो काम नहीं कर पाए। अभी किया, मजबूरी हो गई तो किया, सिर्फ पुलिस वालों का किया, पुलिस लाइन का किया, वो भी आधा अधूरा है। ये है, मैं कह रहा हूं कि आप टुकड़ों में क्यों सोचते हो, इकट्ठा सोचो, समग्र सोचो, सारा सिस्टम। 2 साल से मैं लिखित में दे रहा हूं, हर मीटिंग में कह रहा हूं, हमारा सिस्टम नहीं कर पाया, अब किया तो आधा अधूरा किया। वो करेंगे तो वो पानी जो शिवाजी नगर की सड़कें तोड़ता है तोड़ना बंद करेगा, वो सीधा नहर में पहुंच जाएगा, तालाब भी भर जाएगा, समस्या भी खत्म हो जाएगी। सीवरेज के है स्कीम फर्स्ट फेज में लाया था 2006 में, और मुझे गर्व है कहते हुए पूरे जोधपुर और बीकानेर संभाग में पहला सीवरेज प्लांट जोधपुर शहर का स्वीकृत हुआ था, जहां 15-20 लाख की आबादी है। उसके बाद